अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बख्शी दवाखाना की तरफ से हकीम एरस मैं रजा एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो आपके लिए दोबारा से तिला से रिलेटेड है और ये तिला हम साख के लिए बहुत तकसीर का हुक्म रखता है। आप चीज़ें नोट फरमा लें और बनाएं और याद करें। चीज़ें आप नोट करें जी, नुस्खा आपको मैं बता देता हूँ जी। मस्ती गोप खुशकी, आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा ये आपने हम वजन लेनी है। मस्ती वो खुशकी, एक आपने ये लेनी है। समंदर फल कुचला, बीक नीर सफ़ेद, तुखम अटेंगन, मूसली स्याह, मूसली काली, ठीक है, आप ये ले लें। ये आपने हम वजन ले लेनी है, एक एक तोला ले लें। आपने ये चीज़ें लेने के बाद इसको अच्छी तरह खरल के अंदर रगड़ाई करनी है, ये एक सफूफ बन जाएगा। उसके बाद आपने ये सफूफ आप लगा संभाल के रखें। उसके बाद आपने पान के पत्ते लेने हैं, पान के पत्तों का रस निकालना है। पान के पत्तों का रस निकालने का तरीका मैं आपको भी बता देता हूँ कि जी पान के पत्तों का रस कैसे निकालना है। पान के पत्ते लेंगे, साथ उसकी डंडलियाँ भी साथ ही होती हैं, जो मतलब उसके तने जो होते हैं उसको आप निचोड़ेंगे तो पानी निकलता जाएगा। ये पान के पत्ते का रस है। आप पान के पत्ते अब देख लें, अगर आपने तोला तोला सारी चीज़ें ली हैं तो अगर 5 तोले बनती हैं, 6 तोले या जितनी वजन बनती उतना ही आपने पान के पत्ते का रस ले लेना है। इसको आपने इस दवा को, इस सफूफ को पान के पत्ते के अंदर इसको अच्छी तरह इसकी रगड़ाई करनी है खरल में। जब ये गोली बनने के काबिल हो जाए तो आपने गोली चने के बराबर एक गोली बना, चने के बराबर गोली बन जाएगी। ये गोलियाँ आप धूप में सुखा लें, सुखा के आप इसे अपने पास महफूज रख लें। और ये आपका नेक्स्ट अमल मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। एक गोली आपने मजामत से 1 घंटा पहले, ये शराब होती है देसी पुरानी ब्रांडी, उसके अंदर एक गोली को 1 से 2 कतरे उसको खरल करके रगड़ के उसका एक लेप वो तैयार हो जाएगा। ये आपने बवक्त ज़रूरत 1 घंटा पहले मजामत से आपने अपने नफ्स के ऊपर लगा लेनी है। और ये आप 1 घंटे के बाद आप मजामत करें और ये अमसाक इतना पैदा करेगी कि आप मन चाहा इसके ऊपर आप अपना अमसाक टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। और आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारी आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक नॉलेज पहुँचे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी ताकि इससे हौसला अफजाई हो सके। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मज़ीद एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।